हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गाइस, अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करी थी चौधरी फैमिली मोमेंट्स विद राजा भैया, जिसपे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि राजा भैया की एक्चुअल में डेथ हुई कैसे थी। तो बस आज मैं आप लोगों को वही स्टोरी रिपीट करने वाली हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो राजा भैया हैं वो विवेक चौधरी के बड़े भाई हैं। तो गाइज़, आज से 4 साल पहले राजा भैया को एक फ़ीवर हुआ था। गाइज़, जैसे कि फ़ीवर होता है तो हम काफ़ी लाइटली लेते हैं कि छोटा सा फीवर है, 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 3-4 दिन के बाद उनका फ़ीवर बिल्कुल ठीक हो गया था, उनकी बॉडी ने रिकवर कर लिया था। तो फ़ीवर ठीक होने के ठीक 10 दिन बाद उन्हें एक बार फिर से फ़ीवर हुआ। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये एक वायरल है जो कि उन्हें फ़ीवर के थ्रू उनकी बॉडी में आया है। उन्होंने मेडिसिन खाई तो वो वायरल भी उनका रिकवर हो गया। वायरल के 3-4 दिन के बाद ही वो फिर से बीमार हो गए। तो जब उन्हें देहरादून के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इस बार उन्हें डेंगू हुआ है। तो उन्होंने अपना सही से ट्रीटमेंट शुरू करवाया। ट्रीटमेंट के 3-4 घंटे के बाद ही पता चला कि राजा भैया की जो बॉडी है उसने 1% भी रिकवर नहीं किया है और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब हम तो यही प्रे कर सकते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और इसी रीज़न की वजह से खुशी एंड विवेक का जो बेबी है उसका नेम राजा रखा गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके राजा भैया एक बार फिर वापस आए हैं बेबी के रूप।